साथियों नमस्कार। छठ महापूजा पर्व के अवसर पे मैं राजघाट था इसमें हूँ और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोक पर्व है छठ, इसमें महिला जो है वो दंडवती करते हुए लगातार साष्टांग करते हुए जमीन पर लेट करके और घाट तक जाने के लिए लगातार कोशिश करती हुई ये महिला यहाँ से जा रही हैं। और आस्था का पर्व कहा जाता है कि जब किसी की मनोकामना पूर्ण होती है तो वह व्यक्ति लेटते हुए घाट तक जाता है। मैं जानने को इसको कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं ये? आप कौन हैं? हम कुंती भौजाई हैं। अच्छा, क्या मान्यता थी जो पूरा हुआ और इस प्रकार से लेटते हुए घाट तक जा रही हैं? वो नहीं बताई हैं, उनको मालूम बताई नहीं है। तो मन में जो भावना पूरी हुई है उसको ले करके, क्या नाम इनका है? बेबी, बेबी। पूरा नाम क्या है? बेबी वर्मा। बेबी वर्मा जी हैं और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ गोरखपुर महानगर से जो भीड़ निकली हुई है वो लगातार एक कुंभ के मेले के रूप में, चूँकि कोरोना काल रहा लगातार छठ को भी प्रभावित किया था, तो ठीक हम इस समय राजघाट यानी अवैधनाथ घाट की तरफ खड़े हैं और हमारे सामने इन सूर्य भगवान अस्त सूर्यांश जो सूर्य अस्त होंगे उसको अर्घ देने का काम होगा। और लगातार प्रशासन गोरखपुर का जो है वो लगातार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो पूर्ण रूप से हुटरों के माध्यम से लोगों को सावधान करने का कार्य कर रहा है। और लगातार भीड़, चूँकि रामघाट और राजघाट पे जल और सफाई हुई है तो यहाँ भीड़ इकट्ठा होगी। और इस साल तकिया घाट और जो हनुमानगढ़ी घाट है वहाँ पे पानी इकट्ठा है, कीचड़ है, इसके नाते सारा भीड़ इन दो घाटों के किनारे आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का काम करेगा और जो अपनी लोक परंपरा है छठ पूजा उसको संपन्न करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ गोरखपुर महानगर की जो पुलिस है वह कमर कस के तैयार है कि किसी भी प्रकार से कोई भी घटना यहाँ घटित न हो। तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पुलिस के जवान लगातार सतर्क निगाहें लगाए हुए हैं, चूँकि यह गाड़ी नहीं, मेरी नहीं, ये लगातार जो गाड़ियाँ अवैध रूप से खड़ी हैं घाट में आने जाने के मार्ग में वो बाधा न बने इसके लिए इन खड़ी गाड़ियों का चालान भी काटा जा रहा है और प्रशासन पूर्ण रूप से कमर कस के तैयार है। सर ये बताइए, अपना नाम बताइए पहले। नमस्कार, मेरा नाम सब इंस्पेक्टर गौरव सिंह है, मैं ट्रांसपोर्ट नगर चौकी इंचार्ज हूँ। आपकी अभी हुटर बस्ती हुई गाड़ी बुलेट जा रही थी? जी जी भाई साहब। तो आप लोग किस प्रकार से तैयारी किए हैं, चूँकि थोड़ा सा यहाँ पर देखिए दो तरह की जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर हैं। एक तो हमारी जो माताएं बहनें यहाँ पे व्रत रखने के लिए आई हैं जी, वो पूर्ण रूप से सुरक्षा का एहसास हम उनको दिला सकें कि उनके साथ किसी भी प्रकार की यहाँ पे चोरी की घटना, छिनैती, अभद्रता, छेड़छाड़ जैसी कोई घटना नहीं होगी। दूसरी हमारे लिए एक चुनौती यह है कि यहाँ पे भारी संख्या में वाहन आए हैं वो ठीक ढंग से पार्किंग हो सके, किसी पार्किंग की क्या व्यवस्था है? पार्किंग की व्यवस्था के लिए नगर निगम की तरफ से दो स्थल दिए गए हैं गोरक्षनाथ घाट पे बाईं तरफ और दाहिनी तरफ, जहाँ पे उनके भी कर्मचारी नियत स्थान पे खड़े हैं और हमारे भी पुलिसकर्मी खड़े हैं जो लोगों को आज रात को काफी भीड़ रहेगी और प्रातः काल तक हम तैयार हैं। इसके लिए प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? हमारे लिए तैयारी यह है कि हमने 1 बजे से ही सबको हाई अलर्ट मोड पे डाल दिया है, लोग आएंगे श्रद्धालु 3 बजे तक, लेकिन हमारी तैयारियां 1 बजे से ही शुरू रहेंगी। कितने लोग हैं ड्यूटी में इस समय? ड्यूटी में इस समय हम अपने थाने की अगर बात करें तो लगभग 85 लोग हैं, बाकी बाहर का पुलिस बल है जिसकी संख्या के विषय में स्पष्ट रूप से नहीं बता। जैसे कल उच्च अधिकारी SSP साहब आए थे, DM साहब छठ के घाट का निरीक्षण किया जी, तो क्या दिशा निर्देश दिया गया? दिशा निर्देश इनके लिए दिया गया कि जल पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, लाउड स्पीकर होना चाहिए, आज एड्रेंडम एक नई व्यवस्था के रूप में बताया गया कि खोया पाया केंद्र की भी स्थापना होनी चाहिए, प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, सड़कें साफ होनी चाहिए, घाट साफ सुथरे रहें, ये सारे दिशा निर्देश उच्च अधिकारियों के माध्यम से दिए गए। धन्यवाद, गोरखपुर समाचार से बात कर रहा हूं। तो लगातार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रशासन कमर कस के तैयार है और हमारे पुलिस के जवान जो प्रशासन के रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं वह पूर्ण रूप से सभी त्योहारों का क्रम जो लगातार नाग पंचमी से प्रारंभ होते हुए और कार्तिक पूर्णिमा स्नान तक चलता है, इन सभी त्योहारों को अपने घरों को छोड़ करके लगातार जनता की सेवा के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं और लगातार एक हुजूम
लगातार हुजूम निकला हुआ है। अभी भी जो पानी भरा था उसके कहीं ना कहीं अंश दिखाई दे रहे हैं, अगल बगल काफ़ी कीचड़ है। लेकिन जिस मार्ग पे मैं न्यूज़ बना रहा हूँ, जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, यहाँ पूर्ण रूप से सफाई का ध्यान रखा गया, नगर निगम द्वारा चूनाकली किया गया है और साथ ही साथ लगातार ढोल के थापों के बीच भीड़ अपने यानी राजघाट नदी के किनारे के तरफ चलती हुई जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे सूर्य के अस्त होने का समय प्रारंभ हो रहा है और अस्तगामी सूरज को जल देने के बाद आज की प्रक्रिया यानी छठ का कार्यक्रम संपन्न होगा।